पूर्व में की गई चक्का जाम हड़ताल अनुभव को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ ने चक्का जाम छोड़ धरना प्रदर्शन रैली एवं आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की बनाई रणनीति। रोडवेज में उठ रही प्रमुख मांगों को लेकर सत्यनारायण ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के मुखिया एवं वर्तमान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एवं वर्तमान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर्मचारियों को विश्वास में लेकर घोषणा की थी कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही सर्वप्रथम रोडवेज कर्मियों को सातवां वेतनमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान देंगे, जो हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होंगी। सरकार को पौने तीन साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी हमारी मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। और जो उन्होंने वादा आश्वासन किया था कि सातवां वेतनमान और रोडवेज कर्मचारियों को सेवानिवृत्त का परिलाभ शीघ्र ही और हो, इसे तो उनको पहले इन मांगों का और ध्यान हमें आकर्षित करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने घोषणा वादे किए थे उसको वो पूरा करें। इसीलिए आज हमने रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति का हमने गठन कर हम आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।